पुतिन का जो मजाक उड़ाने पर कैसे मुश्किल में फंस गए रूसी सैनिक, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। एक लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जो ये जो वेपन्स की बात हो रही है, हथियारों की बात हो रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से जो हथियार मिले कैसे युद्ध में बेकार साबित हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि सीडीएस ने ऐसा बयान दिया है। तो आपको बताते हैं, ये देखिए ये कौन से जो हथियार हैं वो बेकार साबित हो रहे हैं। M777-2A गन अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, लेकिन कोई कारगर नहीं है, कोई कारगर साबित नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत हल्का वजन होना इसकी कमी बताता है। इसके अलावा अगला जो हथियार है जो कि दिया गया है यूक्रेन को, उसके बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं M777-2A गन के बारे में कि किस तरह से अब जो अगला जो हथियार है जो दिया गया है यूक्रेन को, सपोर्ट किया गया है, लेकिन वो सपोर्ट काफ़ी नहीं है क्योंकि वो जंगे मैदान पर नाकाफी साबित हो रहा है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हैं, रूसी हथियारों को तबाह नहीं कर पाए, इन पे भी एक सवालिया निशान है। अब अगला जो हथियार है लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी से यूक्रेन को मिले हैं, लेकिन इनके बारे में भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेपर्ड टैंक कीचड़ में फंस रहे हैं, कई आप वीडियोस दे चुके हैं। स्टिंगर मिसाइल जो कि अगला हथियार है, अफगानिस्तान में जबरदस्त दम दिखा इसका, स्टिंगर मिसाइल का, लेकिन यूक्रेन में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, यहाँ प्रदर्शन फेल साबित हो रहा है।